श्रीमान नेवी फौजी के छोटे भाई हैं, उनकी तरफ से आए हैं। कामना करते हैं भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। इन फौजी भाई साहब के छोटे भाई जी की तरफ से जो ये पुरस्कार आया है, कामना करते हैं भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। भागवत श्रोताओं, भगवान का नहीं या फिर चीरहरण की लीला करते और गोपियों को ज्ञान देते हैं कि स्त्री को कभी नग्न होकर के जल में नहीं नहाना चाहिए। जो स्त्री नग्न होकर के जल में स्नान करती है, जल में रहने वाले बड़ो देवता का अपमान होता है, पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। नारी का कोई नग्न भेष माना जाता है ज्ञान नहीं, जलवासी वरुण देवता का कहे समय अपमान नहीं। भगवान कन्हैया गोपियों को समझाते हैं, गोपियां भगवान से क्षमा मांगती हैं। लेकिन वही गोपियां एक दिन भगवान कन्हैया से जिद ठानी गई, काय की जिद ठानी गई। गोपियां बोली, श्याम हम तुम्हारे साथ में महाराज करना चाहते हैं, अब तुम हमारे साथ में महाराज करो। भगवान बोले हैं, गोपियों अभी नहीं, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। बोले भगवान, बोले कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरो, श्याम सुंदरी निकल गए। धारण करो, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। बोले कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरो, श्याम सुंदरी निकल गए। हमारी की बात सुनो, करी चोरी की सखिया जब समय आएगा तब देखा जाएगा, अपने अपने घर जाओ। गोपियां जो है भगवान की बात मानने के बाद में वापस लौट आई, और जब वापस आई हैं, इधर भगवान का नहीं आ गया, एक दिन ध्यान आ गया कि हम गोपियों के साथ में महाराज अवश्य करेंगे। तो भगवान का नहीं आने युग माया से कहा कि तुम यमुना के किनारे जाओ, जाओ।
कन्हैया। योग माया से कहते हैं यमुना के किनारे जाओ और बड़ी सुंदर बड़ी रमणीक जगह बना करके आओ, हम गोपियों के साथ में महाराज से अवश्य करेंगे। भगवान कन्हैया कहते हैं कि तुम यमुना के किनारे जाओ और बड़ी सुंदर बड़ी रमणीक जगह बना करके आओ, हम गोपियों के साथ में महाराज शबश करेंगे। भगवान कन्हैया ने योग माया सिखाए है कि तुम यमुना के किनारे जाओ और बड़ी सुंदर बड़ी रमणीक जगह बना करके आओ, हम गोपियों के साथ में महाराज शबश करेंगे। तो योग माया ने देर नहीं की, यमुना के किनारे जाकर के बड़ी सुंदर बड़ी रमणीक जगह बनाई है। भगवान सोचने लगे हैं चलो उस जगह को देखने के लिए चल रहे हैं। और जब भगवान उस जगह को देखने के लिए गए हैं, कैसी है वो जगह, बड़ी सुंदर सुंदर फूल हैं, पुष्प हमला क्रोलें कर रहे हैं और इतना प्रकाश है ये लगता है कि स्वयं चंद्रमा ही पहरेदारी कर रहा है। आहा, देखा भगवान ने वो जगह